जब हमको पैसे लेना ही था तो हम किसी गैर मर्द के साथ क्यों नहीं रह सकते हैं? क्या जरूरत था हमको? बवाल हम नहीं करते, ये सब बवाल हमको तो बस उस पे रहना है। और जब हमसे 2.5 लाख रुपया बोल रहे थे कि 2.5 लाख रुपया हम देंगे, हमको 2.5 लाख रुपया नहीं चाहिए, हमको पति चाहिए। कि 9 साल तक शोषण हुआ, 4 बार एबॉर्शन हुआ, उसके बाद जो लड़का है हमसे अब हमेशा के लिए दूर होना चाहता है। बोल देगा कैसे? उसको बोल कैसे देगा? बोल देगा सबूत दिखा, जैसे हम सबूत दिखा रहे, जैसे तुम भी सबूत दिखा। बोले बस इतने ही बोले कि तुम रख लो, नहीं तो इसको पैसा देके रफा दफा खत्म कर दो। सेटलमेंट करने के लिए कहा गया, आप उस साइड हुए। सेटलमेंट करने के लिए बोले वो लोग कि कुछ पैसा ले लो, साइड हो जाओ। तो हम पैसा लेने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, क्यों पैसा लेंगे उनसे? आप कितना डिमांड कर रहे हैं, कितना चाह रही है? हमको 10 लाख रुपया चाहिए और हमको जमीन चाहिए। अच्छा, हाँ। अगर हमको क्या बोला? तैयार नहीं है। नहीं तैयार नहीं है, तुम शादी किया है, तुम गलत पकड़ा गया है, लड़का को गलत पकड़ लिए वो लोग। हाँ, बोले कि तुम इसके साथ में तो गलत किया है बेटा। लड़का को पकड़ लिए तो लड़का को वैसे छोड़ देंगे? ऐसे छोड़ दिया, हाँ वो लोग छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। क्यों? रीजन, कारण, सब कुछ छोड़ दिए। कारण बस क्या कारण था हम क्या कह सकते हैं? हो सकता है वो लोग अपने में मुँह मिला लिए होंगे, हो सकता है मुँह मिला लेंगे, हो सकता है। तब ना वहाँ पे आप गई, मतलब सबूत था तब ना? हाँ, मेरे पास सबूत है। उनके पास सबूत क्या निकला? कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला सबूत। ये आपका भी किसी के साथ अफेयर है, ऐसा है वैसा है, कुछ बातें निकल के आई है? तो हम तो बोले कि वहाँ पे सबूत दिखाइए, महिला मंच वाली भी गई तो बोले कि सबूत दिखाइए, कुछ नहीं दिखाया, मुंह लटका दिया। उसके बाद में हमको अकेला रूम में भेज दिया कि तुम लोग बात करो। पैर अकेला लड़का के साथ आपको अकेला रूम में भेजा गया? हाँ, अकेला रूम में भेजा गया। तो हमको पैर पकड़ लिया कि हम तुमको खर्चा चलाएंगे, तुमको जैसे हम रहते थे साथ में रहेंगे, खर्चा चलाएंगे और तुम्हारे साथ में रहेंगे, सिला अब मेरा भत्ता देंगे, हाँ महीने का, हाँ। और तुम हमको अब जलील मत करो, मेरी बहन के शादी रुक जाएगी, हमारा शादी घर में होने वाला है, मेरी बहन के शादी रुक जाएगी, अब हमको जलील, हमारा भी शादी नहीं होगा। अब तो कुछ बोलिए दिया, तब फिर क्या दिक्कत है? तो फिर आके यहाँ पंच के सामने बोल दिया, मुँह कर गया कि नहीं हम ये सब नहीं बोले हैं। मतलब कि अंदर में बोला कि नहीं आपका हम सारा गुजारा चलाएंगे। पैर पकड़ लिया, पैर भी पकड़ लिया, फिर उसके बाद? उसके बाद फिर पंच के सामने बोल रहा था कि नहीं हम नहीं पैसा नहीं देंगे और नहीं हम इसको चलाएंगे। तो फिर ये तो वहाँ पे बताना चाहिए तो कि अंदर में बात हुई है, हाँ, तो और फिर बाहर में ये हम बताएं, हम बताएं तो सारा चीज उस पे सब मुखिया सरपंच लोग उन पे छोड़ दिए, इसलिए कि वो जो कहेगा वही होगा। तो अब जो वो कहेगा से होगा, तो वो तो कह रहा है कि नहीं हमको नहीं रखना है। लड़का कह दे, मानते हैं कि आपका भी किसी के साथ अफेयर है, फोटो है या ऐसे है वैसा है, ये तो सच को झूठ में बना देगा, बिना सबूत के बोल दे रहा है। वो तो कुछ बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, तो कुछ ही बोल देगा तो लोग मान लेगा, मुखिया सरपंच मान लेगा, थाना मान लेगा, नहीं मानेगा। और मेरा जो तो उस दिन जो सारा बात हुई, तो फिर कहा लास्ट में क्या कहा गया? लास्ट में कहा गया कि माइनस करो, तो माइनस कैसे कर रही है? बस वो लोग सेटलमेंट करो, सेटलमेंट ऐसी बस बात में कर लो। क्या सेटलमेंट? कुछ नहीं, कुछ पैसा दे दो, हो गया कुछ? मतलब बोले वो लोग की 2.5 लाख रुपया देंगे, सेटलमेंट कर लो। तो 2.5 लाख रुपया हमको जब देना ही रहता था, जिस समय उस दुआरी पर गए थे तो उनको फोन लगा के बोल देते कि मेरा पैसा दीजिए, आप मत आइएगा। हम ये भी तो बोल सकते थे, अंदर अंदर चुपचाप नहीं कर सकते थे? अंदर अंदर कर सकते थे, हम आवाज उठाने का क्या हमको जरूरत है? आवाज हम नहीं उठाते। आवाज उठाए क्यों है पहले ये बताइए? आवाज हम उठाए, हमारे साथ में साल भर से हमारे पास से बात नहीं कर रहे थे, हमारे पास बात नहीं कर रहे थे, आ नहीं रहे थे, शादी उनको तय हो गया। हमको उन्हीं को घर में संतोष नाम के भाई हैं, संतोष नाम के भाई हैं, वही हमको सारा खबर पहुंचाते थे। ये भी पहुंचाते थे सर कि उसकी बहन के शादी हो रहा है, तुम चढ़ाई करो, जो उनका नाम है संतोष, जो मीडिया में अभी भी आए हैं, जिस 25 तारीख को मीडिया में आए हैं, उनको नाम है संतोष, वही हमको बोलते थे कि तुम आओ और आके और चढ़ाई करो और नहीं तो सलाई पलट जाएगा। इधर हमसे भी बात करता था, उधर हमारे हस्बैंड से भी मिल के रहता था, अमिताभ से भी। तो हम अमिताभ को पहले बताते थे कि देखिए अब पुष्पा के शादी हो रहा है, तो हमको ऐसे ऐसे घर से सब कोई बोल रहे हैं से, तो कि से तुम्हारा क्या मर्जी है, तुम मतलब बेटी की शादी रोक देगी? हम बोले नहीं, हम शादी क्यों रोकेंगे? क्योंकि ये लग रहा है कि जब वहाँ पे मुखिया समाज दुनिया जहाँ सब बैठा, तो इसको सही रूप से जो बातें हैं निकल के आनी चाहिए। नहीं, वो लोग कोई दबाव नहीं दिए, दबाव में नहीं दिए, दबाव इसलिए नहीं दिए क्योंकि उसके पास सबूत था, लड़का के पास कुछ बड़ा सबूत था। कोई सबूत नहीं था, सबूत कहाँ है, एक भी सबूत नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तो फिर क्यों कैसे कहा गया कि कुछ पैसा ले लो, अब बात मामला खत्म करो? हो सकता है वो लोग मुंह मिला लिए होंगे, हम कैसे विश्वास करें? हम लास्ट में क्या कहा गया आपको? लास्ट में बस यही कहा गया कि आप लोग कोर्ट से केस कीजिए। अब हम किसको, कौन केस करेगा? हम करेंगे उनसे। अच्छा, आपको कहा है कोर्ट से केस कीजिए? हाँ,
मुखिया सरपंच सब कोई बोले, हाँ महिला हेल्पलाइन भी महिला अथी बोले कि जाइए आप कोर्ट से केस कीजिए। तो हम कोर्ट से कैसे केस करेंगे, हमारे पास पैसा है कि हम कोर्ट से केस करेंगे? तो ऐसे में आप बोला कि कोर्ट जाइए, हम भी कोर्ट जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये पूरी कहानी में मामला निकल के आया है कि ये जो महिला है लगातार पीड़ित होकर खड़ी हैं, इनके पास सारा सबूत था, इसलिए वो लगातार वहाँ पे उस घर में जा करके इनका अधिकार हो गया कि हम अपनी बातों को रखेंगे। और उस दिन सबूत के साथ पुलिस भी मानी, समाज भी माना, पूरा दुनिया जहाँ माना। लेकिन अब बात आती है, लड़का अंदर में कहता है कि तुम इतना पैसा ले लो, तुम्हारा सारा गुजारा भत्ता चलाएंगे, तुम्हारी सारी चीज़ें को हम पूरी करेंगे। बाहर अंदर में ये बातें होती है, बाहर में जैसे ही लोगों के पास आता है तो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, लड़की में गड़बड़ी है, लड़की भी और भी किसी के साथ गलत कर रही है, ऐसे टाला जा रहा है। अब ऐसे में लड़का फाइनली कह देता है कि कोर्ट से केस कीजिए, समाज भी कह दिया कोर्ट से केस कीजिए। ये महिला आप कह रही हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम कोर्ट से पैसे केस कैसे करेंगे? यहाँ पे मामला आती है सेटलमेंट का, लेकिन सेटलमेंट में कुछ पैसा ले लो, गेम ख़त्म करो, मामला ख़त्म करो, ये बातें आ रही है। लेकिन यहाँ पे इनकी भी कुछ बातें हैं कि 9 साल यदि कोई शोषण किया है तो कैसे हम ऐसे यूं ही छोड़ देंगे। अब मामला कोर्ट में लड़का यदि जाएगा और ये भी जाएंगी तो मामला कोर्ट में ही ये क्लियर होगा, अदरवाइज़ ये मामला अब फाइनली कोई इसका समाधान निकल के सामने नहीं आ रहा है। लास्ट में कुछ कहेंगे आप? लास्ट में यही कहेंगे कि जिस तरह से हमको बीच रोड पे लाया गया है, न्याय का दरवाजा कोर्ट है, तो कोर्ट में तो सबके लिए बराबर है, कोर्ट में सबके लिए है, तो पैसा वाले के ना कोर्ट है। अब एक बात बताइए, हम कैसे बोल रही हैं आप? अच्छा, पैसे वाले के सुनिए, अब एक बात बताइए, गरीब आदमी नहीं जाता है? नहीं, हमारे ऐसा गरीब नहीं होता है जिसको खाने का ठीक नहीं, जिसको 5 महीना से किराया नहीं मिला है, तो हम बहुत मजबूर हैं, बच्चे के हम पढ़ाई लिखाई हम नहीं करवा सकते। करेंगे क्या मुझे बताइए, कुछ तो रोड पे आ गए, अब क्या करें? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मतलब सेटलमेंट कहने के लिए कहा गया, आप उससे साइड हुए? हाँ, उसी तरह से पुष्पा और सुरुचि और अमिताभ और उनके माँ बाप को भी आप लोग सबको मिल के उसको घसीटिए, और उनको अमिताभ को शादी कभी जिंदगी में ना होवे। बस ठीक हो गया है? हाँ शादी ठीक हो गया, उसका शादी करने के लिए ही उबाई में था तो हम वहाँ पहुँचे। ये सब मतलब जो भी लड़की कैसी है जो सेट कर रही है, लड़की वाला के नहीं पता है, ये लोग गेम खेल रहा है पैसा के चलते, ये लोग पैसा के बहुत, इसके जिसके पास पैसा रहता है ना उसको और पैसा कर, हाँ उसके पास पैसा। अब हमको कहना बस यही है, अमिताभ आरा के हैं और ननौर के हैं, और उनको कोटिन उपाय पर हमारे जहाँ तक लगे मीडिया सुन रहे हैं, मेरे जहाँ तक लगे जाएगा आवाज, जहाँ तक लगे लोग सुने, उनसे शादी करने का कोशिश कोई ना करे, कहूँ बहुत धोखेबाज आदमी है, बहुत धोखेबाज आदमी है। तो बाद में अपनी बात आप कमेंट में रखिए इस पूरे मामले को लेकर, जितने भी लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।